हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं हमारे जेट प्लांट से। ये बहुत ही लकी प्लांट है, मेंटेनेंस बहुत कम लगता है इस प्लांट में। ये जो पौधा है इसके पत्तियों में बहुत सा पानी स्टोर होता है। ये स्पाइडर प्लांट है जिसके बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, जिसमें से एक वेरिएशन मेरे पास अभी अवेलेबल है एंड मैंने इसे इस तरह से हैंग कर रखा है मेन गेट पर। ये थर्ड प्लांट है जिसमें पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं। इसकी पत्तियाँ काफ़ी थिक एंड खूबसूरत होती है। इस पर मैंने अभी पानी शोस किया है, सिंपल सा पानी मैंने इस पर डाला है ताकि ये फ्रेश लगे। उसके बाद ये एक पौधा है जो कि समर में इसका बहुत मेंटेनेंस रखना पड़ता है। इसकी जो पत्तियां है ये येलोइश कलर की हो जाती है और इस तरह से ये प्लांट स्प्रेड होता है। ऊपर हम इसे हैंग करके रखते हैं और ये स्प्रेड होता है नीचे। ये छोटे छोटे कप्स में मैंने बहुत सारे पौधे लगा कर रखे हैं जिससे मैं फ्यूचर में यूज़ कर सकूं। ये जो दो पौधे हैं लास्ट में, ये अक्सर बाथरूम में डेकोरेशन पर्पस के लिए रखे जाते हैं। पानी डालने के बाद ये बहुत फ्रेश लगते हैं सारे प्लांट, तो आफ्टरनून में आप अक्सर पानी डालकर रखिएगा प्लांट्स में। शॉवर करके रखना है प्लांट्स के ऊपर। ये एक प्लांट है जिसमें हम मैजेंटा एंड ग्रीन कलर का टेक्सचर आता है इनकी पत्तियों पर। मैंने इसमें भी अभी पानी डाला है। ये सारे इंडोर प्लांट्स हैं जो मैं ऐसे हैंग करके रखती हूँ। यहाँ पर इन्हें बहुत हवा लगती है, फ्रेश एयर लगता है इन्हें, बहुत ही फ्रेश रहते हैं ये झाड़। ये जो डोरबेल है ये मेरी बेटी ने मुझे गिफ्ट किया है, जो कि जिसका आवाज़ सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद ये एक प्लांट मेरे बेटी ने लाया है उसके पसंद से, जो कि मेरे सारे प्लांट्स में मुझे बहुत पसंद है। इसे हम ब्लशिंग प्लांट बोलते हैं, जो कि मैंने हॉल में रखा है। बहुत अट्रैक्टिव लगता है ये हॉल में प्लांट, इस तरह से वाइट पॉट में ही मैं प्लांट रखती हूँ। ये स्नेक प्लांट है जिसमें बहुत से छोटे छोटे पौधे अभी नए उगे हैं। ये जीजी प्लांट है जिसको महीने में एक बार पानी डालना पड़ता है। ये भी एक स्नेक प्लांट का वेरिएशन है जिसे मैंने अपने स्टेयर्स पर डेकोरेशन करके रखा है। उसके बाद ये मनी प्लांट है जो मेरे हॉल का व्यू बहुत खूबसूरत बनाता है। और ये आर्टिफिशियल प्लांट मैंने बना के रखा है सूखे पत्तियों का और वॉल पर पेंटिंग की है। सो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट माई वीडियो।